आईटीआई परिसर में महिलाओं को बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। 107 महिलाएं सीख चुकी है चार पहिया वाहन चलाना। पांचवी बेंच की हो रही तैयारी। 400 से अधिक फॉर्म आए। 30 महिलाओं को दिया जाएगा ड्राइविंग प्रशिक्षण। इंदौर के नंदा नगर स्थित आईटीआई परिसर में महिलाओं को चार पहिया वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम की अगली बेच के लिए अधिकारियों की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है, जहां अगली बेच की ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए 30 महिलाओं को चुना गया है, जो अगली पेज में 1 महीने की ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग लेगी। पिछले साल जनवरी से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में अब तक 160 महिलाएं ड्राइविंग ट्रेनिंग ले चुकी है। वहीं चौथी बेंच बीती 8 जनवरी को खत्म हुई है, जिसके बाद अब पांचवी बेंच के लिए परिवहन आयुक्त की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। ट्रेनिंग शुरू होने और इसकी सफलता के बाद जैसे जैसे महिलाओं को पता चला, विभाग के पास आवेदनों की भरमार सी लग गई। फिलहाल विभाग के पास करीब 400 फॉर्म रखे हैं, जो पिछले 1 साल से संभाग के साथ ही प्रदेश से भी मिले हैं। आईटीआई प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने सोमवार दोपहर को बताया कि इनमें से 30 महिलाओं को अगली बैच के लिए चुना गया है, जो इंदौर संभाग से ही भेज शुरू होने की तारीख तय होते ही इन महिलाओं को सूचना दी जाएगी। वहीं इस प्रशिक्षण के लिए प्रोग्राम में बजट कोई मुद्दा नहीं है। श्री शर्मा के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फिलहाल पांचवी बेंच के लिए चुनी गई इन महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। कोई कमी नहीं है। अभी चूंकि कोविड वापस चालू हो गया, अभी तक हमने 160 बच्चियों को ट्रेनिंग दी है और समय समय पर, वो ठीक है, एक शासकीय प्रक्रिया है तो बजट आगे पीछे होते रहता है। और खुद अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए थे और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सपना जैन मैडम भी आई थी, मुकेश जैन साहब भी थे। बजट की कोई कमी नहीं है बच्चियों के प्रोग्राम के लिए, और ये एक मॉडल हो गया ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यहाँ की ट्रेनिंग। इसे मध्य प्रदेश में कई जगह चालू की गई है, झाबुआ, धार, उमरिया और अन्य जगह। और अभी तो ये भी प्रयास चल रहे हैं कि पूरे जो भारतवर्ष से परिवहन विभाग से नितिन गडकरी जी द्वारा जो दिया जा रहा है MP में प्राइवेट लोगों को DTI खोलने के लिए, तो हमारे मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन साहब की ये मंशा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी ITI हैं जिले में, लगभग 52 या 50, और उसमें हम यदि 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन हो तो वहाँ हम DTI खुलवाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रति ITI में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बजट देंगे, जिसमें 2.5 एकड़ ज़मीन में ट्रैक बन जाए। तो बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी हम अगली बेच के लिए हमारे पास करीब करीब 400 से अधिक फार्म हैं, जिसमें 30 लड़कियां ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हैं, और 30 लड़कियां PMKY की भी एक योजना हमारे पास आ रही है, तो उसमें थोड़ी प्रक्रिया अलग टाइप की रहती है। तो वो भी हमें अप्रूवल आ गया ना PMKY का, तो उसके भी हमारे पास 30-30 लड़कियों की बेच तैयार है। लेकिन जो माहौल अभी कोरोना का चल रहा है, उसे देखते हुए हम लोग खुद पोस्टपोन उससे थोड़ा सा कर रहे हैं कि माहौल ठीक होने के बाद हम चालू करेंगे। और बजट तो इस बेच में भी नहीं था, बाद में आया, लेकिन हमने कर दिया। अभी सेकंड बजट बिल हमारा बाकी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्दी मिल जाएगा वो। और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की एक मंशा भी है कि 31 मार्च के पहले पहले आप 1-2 बेच और निकाल दो, क्योंकि बजट रहता है और जो फिर बाद में वो लेप्स हो जाता है। तो ये जो खबर सुनी गई है कि बजट नहीं है, ये गलत खबर है।